नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विदालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं हूं विवेक मिश्र। आज की खबरों की शुरुआत करने से पहले हेडलाइंस पर डालते हैं एक नज़र। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम पर शीर्ष अदालत का बड़ा फैसला, कहा हर परिस्थिति में बेटियों को मिलेगा पैतृक संपत्ति में अधिकार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आत्मनिर्भर भारत के लिए नई रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया जानकारी। संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक बेटी संपत्ति की हकदार है। शीर्ष अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू होने से पहले किसी की मृत्यु हो गई हो, तो उनकी बेटियों का भी पैतृक संपत्ति पर हक होगा। सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों वाली बेंच ने 11 अगस्त को इस बात पर सुनवाई किया है कि क्या हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा या नहीं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्र ने कहा कि बेटियों को भी बेटों की ही तरह पिता की संपत्ति में हक मिलना चाहिए। बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती है, भले ही उसके पिता जीवित हों या नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि अधिनियम में संशोधन का असली मकसद बेटियों को बराबरी देना था। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यदि पिता की मौत अधिनियम के लागू होने से पहले हो गई है, तो भी बेटी को उसकी पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। न्यायालय के फैसले से साफ है कि 9 सितंबर 2005 से पहले और बाद से बेटियों के हिंदू अविभाजित परिवार में हिस्सा बरकरार रहेगा। गौरतलब है कि साल 2005 में कानून बना था कि किसी भी परिस्थिति में बेटा और बेटी का पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1965 में 9 सितंबर 2005 में संशोधन किया गया था। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में 101 हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध के फैसले के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि सरकार के तमाम विभाग आत्मनिर्भर भारत की पहल पर लगातार गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत के आत्मसम्मान और संप्रभुता को किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने आत्मनिर्भर पहल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना महामारी ने दिखा दिया है कि अगर कोई देश आत्मनिर्भर नहीं है, तो वह अपनी संप्रभुता का प्रभावी तरीके से हिफाजत नहीं कर सकता। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री आत्मनिर्भर भारत पहल को समर्थन और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 101 हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात पर साल 2024 तक के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा 9 अगस्त को किया था। इसके तहत हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान, पारंपरिक पनडुब्बियां और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। इनके आयात पर चरणबद्ध तरीके से अगले 4 सालों में पाबंदी लागू होगी। और अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर एक नज़र। मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार शाम दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 70 वर्षीय इंदौरी को सोमवार को ही अरविंदो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। राहत इंदौरी बॉलीवुड गीतकार और उर्दू भाषा के मशहूर कवि होने के साथ साथ उर्दू भाषा के प्रोफेसर और चित्रकार भी थे। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ था। उनके बचपन का नाम राहत कुरैशी था, जिसको उन्होंने बदलकर राहत इंदौरी कर लिया। उनकी आरंभिक शिक्षा देवास और इंदौर के नूतन स्कूल से हुआ। उसके बाद इंदौर विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए और उर्दू मुशायरा शीर्षक से पीएचडी की डिग्री हासिल किया। वे 16 वर्ष तक इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दीं और त्रैमासिक पत्रिका सांखे का 10 वर्षों तक संपादन भी किया। वे बीते 45 वर्षों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरों की शान बने हुए थे।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना और वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन करना है। इस राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। हाथी संरक्षण और जंगली बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। यह पोर्टल डेटा संग्रह, डेटा विजुअलाइजेशन उपकरण और डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइनों को स्थापित करने में मदद करेगा। एशियाई हाथी को IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि भारत को छोड़कर अन्य एशियाई देशों में निवास और शिकार के कारण हाथियों ने अपनी आबादी खो दिया है। वर्तमान में 50 से 60 हजार एशियाई हाथी हैं, जिसमें से 30 से 35 हजार से अधिक हाथियां केवल भारत में हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं से संबंधित सांस्कृतिक एवं वैधानिक मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित करना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 1999 में किया गया था। इसको पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। इसके लिए 8 से 12 अगस्त 1998 को पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ द्वारा सिफारिश किया गया था। साल 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत में 364.66 मिलियन युवा हैं, जिनकी उम्र 10 से 24 वर्ष है। वर्तमान में भारत विश्व के सबसे युवा देशों में एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। यह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमार्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट से जोड़ेगा। इस नेटवर्क के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को भी तेज एवं विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल सकेगा। आपको बता दें कि इस परियोजना की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2020 को रखा गया था। दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार होने से इस द्वीप पर पर्यटन के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व और देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और साथ ही हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना है, जिससे बुनकरों की आय को बढ़ाया जा सके। हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाने के पीछे इसका इतिहास है कि 1905 में 7 अगस्त को ही कोलकाता के टाउन हॉल में एक जनसभा में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुरुआत किया गया था। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस साल 2015 में मनाया गया। इस बार 6वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी P3 नाम से एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया। इसका उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले 54 लाख परिवार में से प्रत्येक परिवार की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को P3 पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस परियोजना के तहत हरियाणा सरकार का कहना है कि आधार कार्ड केंद्र सरकार से संबंधित है, जो एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं P3 एक इकाई के रूप में पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। 6 अगस्त को रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में घोषित फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में हैदराबाद स्थित NGO नंदी फाउंडेशन को चुना है। नंदी फाउंडेशन को 1 नवम्बर 1998 को स्थापित किया गया था। यह भारत के 19 राज्यों में अब तक 7 मिलियन लोगों को लाभान्वित कर चुका है। नंदी फाउंडेशन को यह पुरस्कार अराकू, वर्धा और नई दिल्ली के क्षेत्रों में अराकुनोमिक्स मॉडल की सफलता के कारण प्रदान किया गया।
अराकोनोमिक्स एक नया एकीकृत आर्थिक मॉडल है जो पुनर्योजी कृषि यानी रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों के लिए लाभ और उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इसी मॉडल के आधार पर अराकू के आदिवासी किसानों ने विश्व स्तरीय कॉफ़ी का उत्पादन किया, जिसे साल 2017 में पेरिस में लॉन्च किया गया था। फिलहाल आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर सूचित करें। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।